हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। तो आज एक और हम न्यूज़ को कवर करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। विड्रॉ केस मीन्स होता है विड्रॉ मीन्स होता है कोई चीज़ वापस लेना, केस वापस लेना। विड्रॉ केस और फेस द म्यूजिक, केस वापस लो या फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, फेस द म्यूजिक मीन्स होता है कोई चीज़ परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है परिणाम भुगतना, जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलना, उसका परिणाम मिलना। ठीक है, विड्रॉ केस और फेस द म्यूजिक। ठीक है, केस वापस लो नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक्यूज्ड किन, जो एक्यूज्ड का जो अपराधी हैं उनका किन, किन मीन्स होता है रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार या सगे संबंधी रिलेटिव। टू अ गर्ल्स फैमिली, जो अपराधी हैं उनके रिश्तेदारों ने जो गर्ल्स की फैमिली को बोला है या तो केस वापस लो नहीं तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आइए इसे आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 days आफ्टर अ 17-year-old गर्ल वॉज किडनैप्ड फ्रॉम हर होम बाय अ ग्रुप ऑफ मैन इन अ ब्रॉड डे लाइट। इन अ ब्रॉड डे लाइट मीन्स होता है दिन दहाड़े। ठीक है, दिन दहाड़े। तो 17 साल की जो लड़की है वो किडनैप हो गई है। ठीक है, बाय फ्रॉम हर होम, घर से, बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, कुछ आदमियों द्वारा। ठीक है, दिन दहाड़े। क्लियर, तो ब्रॉड डे मिस होता है दिन दहाड़े। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये जैसे गर्ल वॉज किडनैप, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अब यहाँ से फाइव डेज आफ्टर हर फैमिली एलिस्ट मिस होता आरोप लगाना। ठीक है, डैट की दे आर बीइंग थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना, उनको धमकी दी जा रही है। बाय द एक्यूज किन, जो एक्यूज आरोपी है उसके रिश्तेदारों द्वारा, किन मीन्स होता है रिश्तेदारों द्वारा। टू विड्रॉ द केस, केस वापस लेने के लिए उनको धमकी दी जा रही है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है, इन ताजगंज पुलिस लिमिट्स, जो ताजगंज है जो पुलिस की लिमिट में आता है। ठीक है, पुलिस के दायरे में आता है, वहाँ पर हुई है ऑन अक्टूबर 26 को। एंड द गर्ल वॉज रेस्क्यूड द नेक्स्ट डे, तो लड़की को अगले दिन बचा लिया गया। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। ठीक है, लड़की को अगले दिन बचा लिया गया। द फॉलोइंग विच, जिसके कारण, फॉलोइंग विच मीन्स होता है जिसके कारण या जिसके बाद। ठीक है, एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट 10 पीपल ओनली, तो जिसके बाद क्या हुआ, FIR दायर कर ली गई है किसके खिलाफ, 10 लोगों के खिलाफ। ओनली आफ्टर किसके बाद, सिर्फ जब जो फैमिली है मैट SSP प्रभाकर चौधरी से मिलने के बाद, जो SSP है वहाँ के, जब फैमिली उनसे मिली है तो उसके बाद क्या हुआ है, 10 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। सो फॉर मीन्स होता है अभी तक। नो अरेस्ट हैव बीन मेड, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस है कि अभी पुलिस बोल रही है कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच। ऑन ट्यूजडे को, ठीक है, गर्ल वॉज सेंट होम, लड़की को घर भेज दिया गया। आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्या करने के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट, उसके बयान रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, अंडर किसके अंडर में आते हैं वो बयान, अंडर CRPC सेक्शन 164। ठीक है, इन द कोर्ट में उनके बयान लेने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। शी वॉज कैप्ड एट आयशा ज्योति केंद्र, उन्हें कहाँ रखा गया था, आयशा ज्योति केंद्र में बाया पुलिस। ठीक है, वहाँ पर रखा गया था फॉर 5 days, 5 दिन के लिए उनको वहाँ पर रखा गया था। हर फैमिली मेंबर क्लेम, उनकी फैमिली मेंबर ने दावा किया है लड़की के। इन अ कंप्लेंट, शिकायत में, फाइल्ड बाय अ गर्ल्स फादर, जो लड़की के पिता द्वारा की गई थी। ही सैड, उन्होंने कहा डैट द अ लोकल रेजिडेंट, एक जो स्थानीय निवासी हैं, अरुण, ठीक है, एलियस मीन्स होता उर्फ, मतलब जब दो नाम होते हैं एक छोटा एक बड़ा, तो उर्फ लाला, उनको लाला भी बोलते हैं, हैड बीन रेगुलरली मिसबिहेविंग हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर से लगातार वो मिसबिहेव कर रहा था, गलत व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कंप्लेंट की है। द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मीन्स होता है शिकायत करता। ठीक है, हु इज़ अ डेली वेजर,
जो वो डेली वेजर हैं, डेली वेजर मिस्टर जो डेली मजदूरी डेली करने वाले वेजर्स मिस्टर मजदूरी, ठीक है। ऑन रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन करने पे, विरोध करने पे, ठीक है। रेज ऑब्जेक्शन मिस होता विरोध करना, ठीक है, विरोध करने पे। अरुण विद हिज एसोसिएट्स, अरुण जो था जो एक्यूज था, एसोसिएट्स मिस होता है कुछ साथियों के साथ में। अरुण विद एसोसिएट्स, अरुण विद हिज एसोसिएट्स बार्ज इंटो माई हाउस, बार्ज इंटो मिस होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना, मेरे घर में घुसा है। आफ्टर बीटिंग अस, हमें पीटने के बाद, दे फोर्सिवली, फोर्सिवली में डरा धमका के बलपूर्वक, टुक अवे माई डॉटर, मेरी लड़की को ले गया। अ लार्ज क्राउड विटनेस्ड द क्राइम, तो बहुत लार्ज क्राउड मिस होता बहुत सारी भीड़ ने, विटनेस मिस होता आंखों से देखा इस क्राइम को, इस अपराध को आंखों से देखा है। नो वन केम फॉरवर्ड, कोई भी नहीं आया आगे, कम फॉरवर्ड मिस होता आगे आना, तो कम की सेकंड फॉर्म केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए। माई फैमिली इज लिविंग, मेरी फैमिली रह रही है, ठीक है। इन अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मिस होता लगातार, इन अ कॉन्स्टेंट फियर नाउ, अब मेरी जो फैमिली है लगातार डर में रह रही है। वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन गए थे, बट एन एफ आई आर वॉज नॉट लॉज्ड, एफ आई आर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो दायर नहीं की गई। डिस्पाइट, डिस्पाइट मिस होता के बावजूद, किसके बावजूद, हैविंग अ वीडियो एविडेंस, वीडियो एविडेंस होने के बावजूद भी हमारी जो हमारी एफ आई आर नहीं की गई। द लोकल पुलिस इनिशियली, इनिशियली मिस होता है स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, ठीक है। डिड नॉट हेल्प अस, हमारी मदद नहीं की, इनिशियली मिस होता है स्टार्टिंग में, जो लोकल पुलिस उसने हमारी मदद नहीं की। दे मिसबिहेव्ड एंड थ्रेटन्ड, उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, एंड थ्रेटन्ड और धमकी दी, ठीक है। मिसबिहेव मिस होता है दुर्व्यवहार करना, थ्रेटन्ड मिस होता है धमकी देना। टू सेंड अस टू जेल, जेल में भेजने की, जो पुलिस वाले हैं तो उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है। आफ्टर मीटिंग सीनियर ऑफिशियल्स, अधिकारियों से, जो बड़े अधिकारियों उनसे मिलने के बाद, विद वीडियो एविडेंस, वीडियो एविडेंस के साथ में, द एफ आई आर वॉज फाइनली रजिस्टर्ड ऑन सैटरडे को फाइनली एट लास्ट अंत में हमारी जो एफ आई आर वो दायर कर ली गई। वी वॉन्ट द एक्यूज, हम चाहते हैं जो एक्यूज आरोपी है मैन टू बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना डिले किए हुए, बिना लापरवाही किए हुए, बिना देरी किए हुए। द गर्ल्स फादर सैड, द गर्ल्स ब्रदर सैड, जो लड़की का जो भाई है उसने ये बोला है, ठीक है। इंक्वायरी, जब पूछताछ की गई, SHO ताजगंज पुलिस स्टेशन भूपेंद्र बलिया सैड, तो उन्होंने बताया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड, जो प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो ये दर्शाती है, रिवील्ड मीन्स होता दर्शाना या बताना, ठीक है, डिस्क्लोज करना, डैट द गर्ल वॉज इन टच विद वन ऑफ द एक्यूज, तो जो गर्ल थी वो टच में थी, मतलब किसी के संपर्क में थी। इन टच विद मीन्स होता किसी के संपर्क में होना, वन ऑफ द एक्यूज, कोई जो आरोपी है उसके टच में थी। हाउएवर हर फैमिली ऑब्जेक्टेड टू इट, उनकी ऑब्जेक्ट मीन्स होता विरोध करना, उसकी फैमिली ने विरोध किया इसके लिए। द एक्यूज अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, एक्यूज जो आरोपी था अलॉन्ग विद मीन्स होता के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ में, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के साथ में, टुक हर अवे, उसे ले गया। आफ्टर शी वॉज बीटन बाय हर फैमिली, किसके बाद लेके गया है, जब उसको पीटा गया उस लड़की को, उसकी फैमिली द्वारा, उसकी फैमिली मेम्बर द्वारा, ठीक है। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, कंप्लेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन अ मीन्स, बेस्ड ऑन मीन्स किसी चीज़ के आधार पे, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, शिकायत के आधार पे, फाइल्ड बाय अ गर्ल्स फादर, जो लड़की के फादर द्वारा दायर की गई है। एंड FIR वॉज लॉज, FIR लॉज कर ली गई है, दायर कर ली गई है। द केस इज बींग इन्वेस्टिगेटेड, केस की जाँच हो रही है, प्रजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, ठीक है। इन डिटेल, डिटेल में केस की जांच हो रही है। द एक्यूज्ड मैन विल बी अरेस्टेड सून, जो अपराधी है उसे, जो अपराधी है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट का ये पैसिव है, ठीक है। वर्ड्स देख लेते हैं। इन अ ब्रॉड डे लाइट मीन्स होता है दिन दहाड़े, एलिज मीन्स होता है आरोप लगाना, थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना, विड्रॉ केस मीन्स होता है वापिस लेना केस, ठीक है। किन मीन्स होता है रिश्तेदार, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, फॉलोइंग बीच में जिसके बाद,
और फॉर मींस होता है सो, फॉर मींस होता है अभी तक, मीन वाइल इसी बीच, ठीक है। कंप्लेनेंट मींस होता है शिकायत करता। डेली वेजर मींस होता है जो डेली काम दिहाड़ी करके पैसा कमाते हैं। एसोसिएट्स मींस होता है साथी, एसोसिएट मींस होता है साथी। बाज इंटो मींस होता है ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, ठीक है। अ लार्ज क्राउड, बड़ी ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोग, ठीक है। कम फॉरवर्ड मींस होता आगे आना। कंस्टेंट मींस होता लगातार, ठीक है। फियर मींस होता डर। डिस्पाइट मींस होता के बावजूद। इनिशियल मींस होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रारंभ में। एंड मिसबिहेव मींस होता है दुर्व्यवहार करना किसी के साथ में। एक्यूज्ड मींस होता आरोपी। क्वेरी मींस होता है ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। क्वेरी मींस होता है पूछताछ करना। रिवील मींस होता है बताना या प्रकट करना, ठीक है। इन टच विद मींस होता है किसी के संपर्क में होना। ऑब्जेक्ट मींस होता है विरोध करना, ठीक है। एंड रिलेटिव्स आप जानते हैं। अलॉन्ग विद मींस होता है के साथ में। एंड बेस्ड ऑन मींस होता है के आधार पर, ठीक है। एंड लोज FIR मींस होता है FIR दायर करना। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको ये समझ में आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।